डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल के बारे में। आज हम बात करेंगे SHE, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे पहले हम डैनियल सेल के बारे में देख लें। डैनियल सेल में हमने क्या करा था, दो कंटेनर लिए थे। लेफ्ट हैंड वाले कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड था, राइट हैंड साइड वाले में कॉपर का इलेक्ट्रोड था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले में जो हो रहा था वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, और राइट वाले में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। लेफ्ट वाले में जो था हमारा वो था एनोड, और राइट वाले में जो हमारा था वो था हमारा कैथोड। मतलब और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड्स को हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। तो जब भी गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग निकालता है वो दोनों हाफ सेल को मिलाकर निकालेगा, यानी दोनों हाफ सेल में क्या बनाएंगे, एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी एक इंडिविजुअल, या तो हमें जिंक या हमें कॉपर के एक सिंगल हाफ सेल का, या तो जिंक का या तो कॉपर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए कोई तरीका नहीं होता। हम डैनियल सेल की हेल्प से सिंगल हाफ सेल का, क्योंकि अपने आप में ये क्या था, कंटेनर हाफ सेल था, और ये अपना कंटेनर अपने आप में क्या था, हाफ सेल था। तो हम सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ई नॉट से इक्वल्स टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ये फार्मूला की बात हुई थी हमारी। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सिंगल हाफ सेल का भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डायग्राम को बनाने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। फिर हम एक क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। सॉल्यूशन फिल किया, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा H प्लस आयन का। मान लीजिए वो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। मान लीजिए आपने कोई एसिड लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, जब डिसोशिएट करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो बचेगा उसमें क्या, पे H प्लस, H प्लस का हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद इस टाइप से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लिया आपने, यहाँ से आप इंसर्ट करवाएंगे H2 गैस, इसको आप पैक कर देंगे, और यहाँ पर जो आपका रहेगा वो आपका इलेक्ट्रोड रहेगा। वो इलेक्ट्रोड किसका होगा, वो इलेक्ट्रोड आपका होगा प्लेटिनम का। प्लेटिनम मेटल होती है, प्लेटिनम का क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये वायर भी जो होगा, ये भी किसका वायर होगा, प्लेटिनम का वायर होगा। तो आपने क्या करा, एक कंटेनर बनाया। कंटेनर बनाने के बाद में उसमें H प्लस आयन का क्या फिल कर दिया, सॉल्यूशन फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया। उसके बाद एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाई, टेस्ट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाई। उसके एक आउटलेट था, इनलेट था, यहाँ से क्या करवाएंगे, H2 गैस को एंटर करवाएंगे। एक आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड है, और ऊपर से आपने क्या लगा दिया है, एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया है। तो ये फाइनली आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बन गया, तैयार हो गया। अब आगे क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, जब हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन सेल में दो हाफ सेल थे, तो हमारे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों ही क्या थी, अलग अलग रिएक्शन थी। फिर हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी, और फिर फाइनली हमने सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल रिप्रेजेंट टेक्निक भी देखी थी, सॉल्ट ब्रिज बनाया था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिंगल एक इलेक्ट्रोड है, इसलिए हम रिएक्शन भी कितने लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। अब रिएक्शन लिखेंगे हम, तो हमारा H प्लस एक्वस साथ में एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, H2 गैसेस में। अब यहाँ पर तो 1H+ है, लेकिन यहाँ पर 2H2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाफ लगा देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर H2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2, और 2 का आधा कितना होता है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो गया। फिर हमने क्या करा, एक बात देखी है, अकॉर्डिंग टू
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम बात कर रहे हैं SHE के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एलिटेड के बारे में। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एलिटेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक यहाँ पर ये जो एक हाफ सेल है इसके साथ एक दूसरे हाफ सेल को कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ जिंक का हाफ सेल एंड कैलकुलेट प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक वाले में क्या हो रहा था हमारा, कि जो हमने डेनल से पढ़ा था, जिंक वाले में क्या होगा, ZN सॉलिड था, वो कन्वर्ट किस में हो रहा था, ZN टू प्लस एक्वस में। जब उसके साथ रिएक्ट कर देंगे तो E नॉट सेल कैसे निकालेंगे, E नॉट सेल इक्वस टू E नॉट R माइनस E नॉट L। तो आप एक ध्यान रखेंगे, हमें एक बात ध्यान रखेंगे कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वह हर केस में क्या होता है, एनोड होता है, मतलब एनोड इन एवरी केस और कंडीशन। तो उसमें क्या होगा, हमारा एनोड अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा तो हमारा कैथोड कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड। तो ई नॉट सेल जो था, इसका जो जिंक की बात करें हम, तो जिंक का जो होता है तो बात करें कितना होगा, वो 0.76 होता है। और राइट तरफ वाला जो हमारा है वो ई नॉट कैथोड, या फिर उसको ई नॉट राइट ले लेंगे हम। और लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको हम ले लेंगे जीरो ले लेंगे। तो हमारा 0.76 या उसको बोलेंगे ई नॉट आर माइनस जीरो, यह आ गया हमारा। तो ई नॉट आर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट आ जाएगा। मतलब ये जो आया है ये किसके लिए आया है, जिंक वाले के लिए वैल्यू आ गई है। इधर लाएंगे तो प्लस वाला गायब हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कि 0.76 वोल्ट यहाँ पे आ गया है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करें कॉपर वाले के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ई नॉट सेल जो होता है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0.34। तो हमारा ई नॉट कैथोड बोल लो या उसको आर बोल लो, माइनस ज़ीरो, एनोड जो हमारा होगा ज़ीरो होगा लेफ्ट वाला। तो ई नॉट कैथोड या फिर उसको राइट, उसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 0.34 वोल्ट। दोनों को मर्ज कर देंगे तो E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट आर माइनस E नॉट एल। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, E नॉट सेल हमारा, ये हमारा हो जाएगा 0.34 माइनस 0.76। तो ये जो हो जाएगा हमारा E नॉट सेल वो हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76। और ये जो हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे, E नॉट सेल इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट, जो कि हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा फॉर गैल्वेनिक सेल।
हम बात करें यहाँ पर लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन अ प्रेशर ऑफ 1 atm फॉर हाइड्रोजन गैस, मतलब 1 atm प्रेशर हाइड्रोजन गैस के लिए मेंटेन करना इजी नहीं होता है, जो हम लेते हैं H2 गैस के बारे में। उसके बाद प्लेटिनम, जिसका हमने इलेक्ट्रोड और वायर लिया था, प्लेटिनम विच इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड गेट इजीली पॉइजन्ड इवन बाय स्मॉल ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट। प्लेटिनम होता है वो छोटा सा पार्ट, उसका क्या होता है इलेक्ट्रोड का इजीली प्रोपोजनस नेचर में आता है बाय स्मॉल ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट। अगर स्मॉल अमाउंट में भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है तो वो पॉइजनस नेचर में आ जाता है। लास्ट जो हमारा लिमिटेशन है वो है कि द होल असेंबली इज डिफिकल्ट टू हैंडल एंड टू बी ट्रांसपोर्टेड, मतलब होल असेंबली को जितने भी जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको असेंबल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सो हैंडल करना भी क्या होता है डिफिकल्ट होता है, सो ट्रांसपोर्टेड करना भी क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं शुरुआत से हमने क्या क्या देखा है। हमने बात की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कि जब किसी सिंगल हाफ सेल का हमें रिडक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाया, इसमें हमने H+ ion का सोल्यूशन लिया, फिर हमने यहाँ पे ऊपर इनलेट बनाकर एक हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करा, फिर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनम का वायर लिया और उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई। तो हमने H+ जो हमारा सोल्यूशन था H+ ion को 1 electron दिया तो H2 में कन्वर्ट हो गया है। H2 इसलिए लिखा है कि हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए H2 मतलब हाइड्रोजन का भी आधा, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, वो भी कौन सी कंडीशन में हो जाएगा गैसियस कंडीशन में हो जाएगा। फिर हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है 0 होता है। फिर हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल है उसे दूसरे हाफ सेल को हम क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरे हाफ सेल को कनेक्ट करने में 2 प्रोसीजर को यूज़ करेंगे, पहली बार में हम जिंक के हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे जिसके बारे में हमने डेनेन सेल में बात की थी, और दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे जिंक कॉपर के हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या होता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट किससे करेंगे जिंक वाले हाफ सेल से, तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग आएगी वो आएगी -0.76 volt। फिर हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉपर वाले से कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी 0.34। फिर हम क्या करेंगे दोनों हाफ सेल को मर्ज कर देंगे, और दोनों हाफ सेल को मर्ज करेंगे और हमने फॉर्मूला देखा था E0 cell = E0R - E0L उसके थ्रू से हम कराएंगे, तो हमारा E0 cell मतलब जो हमने डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल जो पढ़ा था हमने, इसको हमने सॉल्ट ब्रिज वोल्टिंग नाम भी दिया था, तो उसका जो फाइनली रिडक्शन पोटेंशियल निकल कर आएगा वो हमारा आएगा हमारा 1.10 volt, जो कि हमारा क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, फिर लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा हमने एसएच के लिए क्या होता है, तो लिमिटेशंस पर हमने देखा कि इट इज़ नॉट इजी टू मेंटेन
प्रेशर ऑफ 1 atm फॉर हाइड्रोजन गैस, मतलब जो हाइड्रोजन का 1 atm प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये सारी बातें देखी। फिर देखा गया प्लेटिनम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम जिसका हमने पार्ट देखा था हमारा इलेक्ट्रोड जिसका था, गेट इजिली पॉइजनड, वो इजिली पॉइजनड हो जाता है इवन बाय स्मॉल ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट, अगर स्मॉल अमाउंट में भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो भी वहाँ पर क्या होता है जो प्लेटिनम होता है उसे पॉइजनस नेचर में कन्वर्ट होने के फुल चांसेस होते हैं। फिर लास्ट हमने बात करी थी द होल असेंबली इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इसको हम पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, हैंडल करना बहुत आसान नहीं होता है एंड टू बी ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट करना भी इसको क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। तो हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में देखा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने डेनिल सेल, वोल्टेइक सेल, सॉल्ट ब्रिज या गैल्वेनिक सेल, चारों चीज नाम एक ही उसके बारे में देखा। और फिर हमने बात करा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सबसे पहले डेनिल सेल को अच्छे से देखिए और उसी के बेसिस पर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझ में आएगा। तो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो पीसफुल एंड केयरफुली एंड वट एवर डाउट्स यू आस्क मी बाय पर्सनल नंबर और कॉन्टेक्ट और टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज। कीप लर्निंग, प्लीज़ वॉचिंग दिस वीडियो पीसफुल एंड केयरफुली। Thank you so much.